हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन फार्मूला बेस्ड ट्रेडर। तो बहुत सारी डिमांड थी आप लोगों की कि मैं एक वीडियो ऐसा लाऊं जो जो स्टॉक मार्केट में नए हैं उनको कैसे ट्रेड करना है, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा ये आपसे गुजारिश कि आप प्लीज़ अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो ये वीडियो आपके लिए है। डोंट ट्रेड ऑन टिप्स, ये फैक्ट है, किसी के टिप्स पे ट्रेड मत करो, आप अपनी हार्ड अर्न मनी वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखना, आपके लिए एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत इजी हो जो जाए। ऑप्शन ऑप्शन में में ट्रेड कर रहे हैं वो वीडियो को ध्यान से देखें, ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में, जिसमें भी आप काम करते हो, तो आप बड़े ध्यान से देखना, आपके बहुत यूज़फुल है वीडियो। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ फॉर्मूला शेयर करूँगा जिससे आप कभी ज़िंदगी में एक पैसा भी अपना लूज़ नहीं करोगे शेयर मार्केट में। मेरा मोटिव आप लोगों से कोई पैसा कमाना नहीं है, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। देखो, आपने क्या करा कि आपने सोचा कि मैं ट्रेडिंग अपनी शुरू करना चाहता हूँ, आपने एक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपने ज़ीरोधा पे, एंजल ब्रोकिंग, किसी पे भी आपने शुरू कर दिया कि मेरे को ट्रेड करना शुरू करना है, मेरे को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपने शुरू कर दिया। अब आपके पास में क्या होता है कि ये जीरोधा में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसी हिसाब से ये सब में एप्लीकेबल होगा, ये टूल सब में होंगे, ये पूरा पूरा जो भी हमारा लुक एंड फील है ये सब में होगा, थोड़ा सा अलग होगा पर समझने के लिए इजी रहेगा। जीरोधा पे ऑप्शन के लिए यूज़ होता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वो जिसमें बैंकिंग सारे स्टॉक्स आते हैं, निफ्टी वो जिसमें निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स आते हैं। जैसे ये सारा लेआउट आपने देख लिया, इधर से आप निफ्टी 50 इसको चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है। जैसे निफ्टी 50 का चार्ट देखना है, आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, आप सब यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और ये सेम चीज़ आप इधर भी इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ से आप टाइमर चेंज कर सकते हो, जैसे आपने निफ्टी 50 में 5 मिनट का चार्ट देखना है तो आप इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपको ये कैंडल्स हैं, ये रेड 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 कैंडल, मतलब आपको बड़े बेसिक से बता रहा हूँ, रेड कैंडल मतलब कि आपके डाउनफॉल में है मार्केट, अगर ग्रीन कैंडल है इट मीन्स कि पॉजिटिव में है। ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप नए हो। ये 5 मिनट का आपका जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट को देखते हो तो आपको 5 मिनट के ये 5 मिनट में आ जाएगा, यहाँ से आप कैंडल स्टिक चेंज कर सकते हो। तो हम मैक्सिमम इसी में ही काम करते हैं, आप अपने स्टाइल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये सारे के सारे कैंडल स्टिक्स हैं तो हम इस पे काम करते हैं। यहाँ से आप इंडिकेटर डाल सकते हो, आप बेसिक बेसिक चीज़ें समझना फिर आपको फ्यूचर में सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ से आप इंडिकेटर डाल सकते हो जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं फिलहाल ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपको आप फ्रेश आए हो, आपको नए तरीके से सीखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ से आपको ये टूल्स हैं जहाँ से आप जो आप देखते होंगे कि जो आपसे पेड कोर्स में आप सीखते हो कि ऐसे ट्रेंड लाइन ऐसे डाल के आपको दिखाते हैं, ये ऐसे दिखाते हैं डाल के आपको कि यहाँ से मार्केट देखो यहाँ से ऐसे गिरेगी, फिर आपको लगता है कि पता नहीं उसने क्या ऐसा कर दिया कि आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे करके इसको सेट कर देंगे, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, पर फिलहाल आप इन चीज़ों को सीख लो, अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक तरीके से सीखना कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये इसको हटा देते हैं। अब क्या है कि आप नए हो, बिल्कुल फ्रेश हो, आपको कुछ नहीं है मार्केट का पता। पहले तो आपको जानना है कि हम ऑप्शन में जब ऑप्शन बाइंग या सेल करते हैं हम क्या करते हैं। जैसे मान लिया मार्केट अभी रनिंग में है 19,400 की, आपने आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने कॉल, सीई का मतलब है कॉल, और अगर आपने 9,400 की पी, जो भी उस टाइम मार्केट का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वैसे ही आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी अभी कितना चल रहा है, एक सेकेंड लेट मी चेक, जैसे बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 14,600, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर जैसे मान लें कि आपको ऐसे ही आपको लग रहा है 44,600 की आपने सीई ऐड कर ली, आपको लग रहा है कि नहीं जाएगी तो पीई ऐड कर ली। सीईपी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, सीई का मतलब है कि कॉल ऑप्शन, आप कॉल बाई कर रहे हो उसकी, यानी कि आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। वीडियो लंबा होगा पर आप ध्यान से समझना, आपको बहुत हेल्प करे मिलेगी इससे। ठीक है, कॉल ऑप्शन मतलब आप इसको बाई कर रहे हो, बाई करोगे ये ऊपर जाएगी मार्केट, ये ऊपर की तरफ को मूव करेगी मार्केट, तो आप क्या करेंगे इसकी बाई करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बाई हो जाएगी कॉल। ऐसे ही आपको लगता है कि ये नहीं, ये हमारी जो जाएगी ये मार्केट अभी यहाँ से हमारी डाउन जाएगी, ठीक है, डाउन जाएगी, तो हम क्या करते हैं फिर भी हम पीई बाई करेंगे, सेल नहीं करेंगे। अगर इसको आप सेल करेंगे तो आप ऑप्शन सेलिंग में हो, इसके बारे में आप फ्यूचर में पढ़ना, आप पहले बेसिक चीज़ें समझो जो नया नया आता है, पर इन चीज़ों को आपको तब करना है, ये कॉल ऑप्शन सीईपीई को, जब आपको नॉलेज है। बिना नॉलेज के करोगे आप अपनी हार्ड अर्न मनी गवा दोगे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लेते हैं, यहाँ से कॉल बाई करते हैं, ऐसे ही यहाँ से पुट बाई करते हैं, पुट भी बाई करते हैं हम ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन बाइंग होता है एक ऑप्शन सेलिंग होता है, तो ऑप्शन बाइंग में पुट भी बाई करते हैं और कॉल भी बाई करते हैं। बहुत सारे प्रो होंगे जिनको पता होगा, उनको बड़ी बचकानी बात लग रही, पर नए लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल लगी, धीरे समझना आपको सब समझ आएगा। अच्छा, आपने आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपको पता नहीं है, आप आए, आपको किसी ने बताया कि यार कॉल ऑप्शन में करो, नए नए आया, आपको बताया किसी ने कि यार ऑप्शन ना बाइंग करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप क्या करते हो जी, मार्केट में आते हो और आप फटाफट क्या कर देते हो, ट्रेड शुरू की, अच्छा जी अब तो मैं इसमें पैसा बनेगा। और होता क्या है कि जब आप ऑप्शन बाइंग शुरू करते हो तो आपका ना शुरू शुरू में पैसा बनता है। क्यों बनता है कि आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, बिल्कुल नए होते हो, बनता है, और आपको लगता है कि मार्केट इतनी ईजी है, मैं करता जाऊँगा। ये आप पहले समझ लो कि जो गलतियाँ लोग करते हैं जिनको पता नहीं होता है, आपको लोग फंसा देते हैं और पता नहीं लगता, निफ्टी और बैंक निफ्टी इनकी एक्सपायरी, मतलब आप वीकली इसका एक होता है डिसाइड कि ऑप्शन कि वीकली थर्सडे से थर्सडे को, हर थर्सडे को एक्सपायर होगा, यानी कि महीने में चार बारी, चार थर्सडे आते हैं, चार थर्सडे को एक्सपायरी आती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो आपको क्या करना है कि आपको नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना है, या अपने दिमाग में रखना है कि थर्सडे को ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, थर्सडे के बाद में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जो भी आपके ऑप्शंस हैं वो उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, 3:30 बजे थर्सडे को आते आते उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगले फ्राइडे से आपको नए लॉट में काम करना पड़ेगा। तो आप ये सोचो मंडे से आप शुरू कर, मान लिया फ्राइडे से आप शुरू करते हो, फ्राइडे को ट्रेड करते हो, मंडे को ट्रेड करते हो, ट्यूसडे करते हो, वेडनेसडे करते हो, थर्सडे को वो जो भी ऑप्शन में करते हैं वो एक्सपायर हो जाता है। वैसे तो आपको डेली की डेली ट्रेड करना है, किसी भी कॉल ऑप्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। वैसे ही फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है एवरी ट्यूसडे को जो भी ऑप्शन होंगे उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी 3:30 बजे, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि ऐसे ऐसे मार्केट चलती है, और स्टॉक्स जितने होते हैं उनकी एक्सपायरी होती है मंथली बेसिस पे, ठीक है, समझ आ गया कि स्टॉक्स की एक्सपायरी मंथली बेसिस पे, फिर निफ्टी की ट्यूसडे को, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ऑन थर्सडे, ठीक है, ये सिंपल है। अब क्या होता है कि जी आप आए मार्केट में, आपको किसी ने बताया, मैं आपको छोटा सा बता रहा हूँ, जैसे मान लिया आप आए मार्केट में, आपको बताया कि यार मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट खुलती है हमारी 9:15 पर, हालांकि प्री ओपन मार्केट का हो जाता है 9:07 पे कंप्लीट, ठीक है, 9:07 में मार्केट प्री ओपन हो जाती है, तो आपको पता लग जाता है कि मार्केट आपकी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो आपने, आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल नए हो, तो आप लाइफ में इसको अपनी हैबिट बना लेना, इस चीज़ की जो मैं बता रहा हूँ अभी, इसकी हैबिट रहनी चाहिए आपकी थ्रू आउट द जर्नी आपकी हैबिट रहनी चाहिए कि अगर मार्केट पॉजिटिव है, अगर मान लिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव ओपन हुए, तो 70% चांसेस हैं, 70%, यानी कि 10 बारी अगर ऐसा होता है तो 7 बारी ये सेम चीज़ होती है। अगर आपकी मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई है तो 70% चांसेस हैं कि उस दिन का ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, तो आप पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेंगे। अगर मतलब मान लिया कि वही मार्केट अगर आपकी नेगेटिव साइड में ऊपर हो, तो 70%, यानी कि हफ्ते में अगर मान लिया 7 दिन होते हैं, अगर 7 दिनों में से 3 दिन अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई तो वो पॉजिटिव रेंज में ही रहेगी, अगर नेगेटिव में हुई तो वो नेगेटिव में ही रहेगी। ये पहले दिमाग में आपने रखना है, इसको पक्का बसा लो दिमाग में, ठीक है, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, कभी भी अगर ट्रेड करना है तो बेसिकली करना है आपने नियरेस्ट कॉल में, नियरेस्ट जो होगी आपकी, जैसे मान लें कि अभी मार्केट चल रही है 19,401, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है वो नियरेस्ट करना है। अगर आपको लगता है ऊपर जाएगी तो आपको 19,400 के ऊपर के लिए करना है, 19,400
फोर अगर आपको निफ्टी नीचे जाती है तो 19400 का ही इन द मनी में करना है। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ कि इन द मनी क्या होता है। देखो कॉल हमारी मार्केट में तीन साइड से चलती है मार्केट, या मतलब ऑप्शंस आपके कि तीन साइड से, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। ठीक है, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, और ओटीएम का होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और आईटीएम का होता है इन द मनी। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें, नहीं तो कल को कोई शॉर्टकट में बोलेगा एटीएम आउटीएम तो आपको समझ नहीं आएगा। ये तीन होते हैं, एटीएम एट द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, आईटीएम इन द मनी। आपको जब बोल ले कि एटीएम एट द मनी का मतलब है कि आपको सेम प्राइस पे, जैसे 19400 चल रहा है तो 19400 पे आपने कॉल को एट द मनी हो गई कॉल, अगर उसके 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे का अगर कॉल लेते हो। ओटीएम हो गया आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी को बोला जाता है आउट ऑफ द मार्केट, मतलब अगर आप ओटीएम में चल रहे हो तो 80% चांस है कि आपका प्रॉफिट कम होगा या आप लॉस में ही रहोगे, कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। ठीक है, क्लियर है। आईटीएम हो गया इन द मनी, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपके प्रॉफिट की, और लॉस होगा लॉस, देखो आपको वो तो लॉस प्रॉफिट तो चलता रहेगा मार्केट में, लॉस नहीं हो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने बनाए हैं जो आप बाकी वीडियोस में देख सकते हो, पूरा सब सब चीज़ें जर्नी। इसमें सबसे हाई चांस है इन द मनी में कि आपको प्रॉफिट होगा, और ट्राई करो कि आप इन द मनी में करो और सिंगल लॉट से अपनी जर्नी शुरू करो। ठीक है, सिंगल लॉट से आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है। आप मार्केट में आए, ऐप खुला, अभी तक का मैं पूरी समरी बता रहा हूँ, मैप खुला, आपने ये करा, आपको लगा मेरे को 19400 की पुट बाई करनी है, आपने ऐसे क्लिक करा और आपने प्लस के निशान से ऐड कर लिया, आपको लग रहा है कि मैंने इसकी इसकी पुट बाई करनी, मतलब इसकी पुट बाई करनी है तो इसको प्लस के निशान पे ऐड कर लिया। अब आपने क्या करा, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, आपने बाई पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे स्लॉट साइज़ होता है निफ्टी का, स्लॉट साइज़ होता है 50 का, और बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ होता है 25 का, तो आपने उसी, और फिन निफ्टी का होता है 40 का। तो आपने ये दिमाग में रखनी है चीज़ें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप यहाँ से बाई कर लोगे, अगर आपको लगता है कि मार्केट हमारी डाउन साइड जाएगी, इसको कैंसिल किया, आपने इस पर क्लिक करा, आपने बाई करा, बहुत बेसिक चीज़ है ये। आपको ट्रेड किस में करना है, अगर आप न्यू हो तो एट द मनी पे ट्रेड करना है, और सिंगल लॉट से ट्रेड करना है, और हवा में नहीं करना है। बेसिक याद रखो कि अगर मार्केट बिल्कुल, आप नए हो ना, आपको कोई इंडिकेटर ना, आपको ट्रेंड लाइन ना कुछ नहीं डिज़ाइन करने आता है, पर फिर भी आपको करता है कि मेरे को ट्रेड करना है, आपको किसी की नहीं सुननी है, ये नहीं सोचना कि यार मार्केट नीचे जा सकती है, मार्केट ऊपर जा सकती है। बी विद द मार्केट, ठीक है, मार्केट के साथ रहोगे, लाइफ में खुश रहोगे। ऐसे ही हम स्टॉक्स में ट्रेड कर, स्टॉक्स में जैसे मान लिया आपको लग रहा है कि मेरे को रिलायंस में, रिलायंस की मेरे को 2750 रुपये की, 2740 की आएगी ये मान लिया 2740, आपको लग रहा है कि मेरे को इसकी कॉल बाई करनी है, या मेरे को लग रहा है इसकी पुट बाई करनी है, मेरे को लग रहा है कि नीचे जाएगी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, यहाँ पे आ जाएगी, आप बाई पे क्लिक करोगे, सेम आप फ़ोन पे भी कर सकते हो, सेम चीज़ें फ़ोन पे भी हैं फीचर सारे का। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक लॉट में 250 होते हैं, 250, और 250 इसकी वैल्यू है लॉट साइज़ की। या आप ये मत सोचना कि रिलायंस के आपने 250 शेयर बाई कर लिया, आपको तो इतने सस्ते मिल रहे हैं, नहीं, इसकी वैल्यू है ये उस ऑप्शन की, वो आप बाई कर रहे हो। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। सेम आप कॉल ऑप्शन, मतलब सेम आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, सेम आप अपना इंडेक्स में भी ऐसे ही ट्रेड करते हो, पर आपको एट द मनी में ट्रेड करना है, जो उसकी वैल्यू जिस टाइम पे चल रही है फिलहाल आपको एट द मनी में करना है, और सिंगल लॉट से करना है, और जिस साइड को मार्केट चल रही है। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, आपके बहुत फायदे की चीज़ें हैं, आपका लॉस नहीं होगा। ये आपको फ्यूचर में ऑप्शन चेन ट्रेड कैसे, आप ट्रेंड लाइन कैसे डिज़ाइन करते हैं, लेवल्स कैसे निकालते हैं, वो मैं सिखा रहा हूँ, फॉर्मूलाज मैंने अपने वीडियोज़ में सिखा रखे हैं, अभी और फॉर्मूलाज आने वाले हैं,
बट आप इतना ध्यान रखो कि आपको एक लॉट से करना है, नॉलेज लेनी है पहले, लर्न करना है, आपके लिए बेसिक है पूरा पूरा इससे फ्रेंडली बनाने के लिए। मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ जो आपको लाइफ टाइम याद रखने हैं। पहली बात इसको कि डोंट ट्रेड एट 9:40, 9:15 एक्चुअली 9:15। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, ठीक है। पहले लेआउट खोला, उसके बाद में ऐड करा, मार्केट पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव साइड के सोचना है ट्रेड ट्रेड करने के लिए, मार्केट अगर पॉजिटिव है तो उस साइड के ट्रेड लेने हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड के ही। और उसके बाद में अब नेक्स्ट ना सैटरडे को मैं एक क्लास आ रही निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी में वो हाई एंड है थोड़ा सा, वो आपको आ जाएगा धीरे धीरे करके, पर आप चैनल में बने रहो, बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं। डेली मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसमें भी जो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे करके हम सब चीज़ें सीखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, चैनल पर जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है। कोई भी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ का आप मेरे को टेलीग्राम कमेंट में लिख सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको अपडेट मिलेंगी सारी की सारी। और मार्केट में लॉस नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।